खबरों की नई पहचान। धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो नामांकन के बाद धनबाद समाहरणालय से लेकर धनबाद गोल्फ ग्राउंड तक अपने समर्थकों के साथ किए पद यात्रा। वहीं इस पद यात्रा में हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ पद यात्रा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बघमारा के विधायक, धनबाद के लोग प्रिय प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी के आज नॉमिनेशन था। आप देखे होंगे कि लाखों लाख के भीड़ में आज नॉमिनेशन किए हैं। इससे अंदाज लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी यहां पर नहीं टिकेगा। अब फुल बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगा। पूरे इतना गर्मी में आप देख रहे हैं कि जनता का जो उत्साह है उसको अब इसी से अंदाज लगा लिए कि भारतीय जनता के पार्टी के सामने कोई भी नहीं टिकेगा। आप जो विजय जुलूस भी समझ लीजिए, आज की आज विजय जुलूस है, भारतीय जनता पार्टी जीत तय है। वहीं ढुल्लू महतो धनबाद के सिटी सेंटर पहुंचते ही महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उसके बाद धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल मुख्य अतिथि के रूप में आए। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार होते थे और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ भाड़ इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। ये स्थिति देश के अंदर होती थी। आपने परिवर्तन देखा होगा, 2014 के बाद देश में परिवर्तन आपने देखा होगा और आपने झारखंड के अंदर भी परिवर्तन देखा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जरा 2014 के पेपरों को खंगाल करके देख लेना और उनको देख लेना कैसी स्थिति थी और किन स्थितियों में ऐसा लगने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है, मेरे इस भारत देश का क्या होने वाला है, मेरी इस माँ भारती का क्या होने वाला है। ऐसा लगने लग गया था, लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे, चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं में आपने परिवर्तन देखा है। पहले कहीं गरीब का खाता होता था क्या? अरे आपको तो ज्यादा पता है, कई गरीब व्यक्ति खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बहन का खाता, हर भाई का खाता बैंक के अंदर खुलवा करके जो कटमनी थी ना, और झारखंड में तो और ज्यादा चलती थी, उस कटमनी पर भी रोक लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको आज पूछना चाहता, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम एक रुपया बेचते हैं
गांव में जाते जाते वो 15 पैसे होता है, 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई वो किटली का 1 रुपया भेजते थे क्या, और वो सड़क से जाता था क्या, घिसते घिसते वो 15 पैसे हो जाता था क्या। अरे दिल्ली से वो सड़क से आता था क्या, और वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंच जाता था क्या। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 100 रुपए डालते हैं तो खाते में कितने आते हैं, पूरे के पूरे आते हैं या नहीं आते हैं। आपको किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिलती है, पूरी की पूरी आती है कि नहीं आती है, कहीं कोई कटबनी लगती है क्या, कहीं कोई कटबनी लगती है क्या। अरे बताओ ना आप, कहीं कटबनी लगती है क्या, हाथ खड़े करके बताओ कहीं कटबनी लगती है क्या। पूरा का पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है। ये 2014 के बाद का आपको परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें जिस तरह से परेशान रहती थी, आप सभी गांव से आते हैं, गांव में आप देखते हैं, हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी कि नहीं जाती थी। अरे उनको सम्मान देने का काम किसने किया, हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया, मोदी जी ने किया। और यही नहीं मित्रों, आप देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में रहती है और धुएं में परेशान रहती थी, और आपने देखा होगा बारिश के समय में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। और वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ फूकनी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूकनी बोलते हैं ना, वो जब उसमें फूक देती थी तो आंखों में कितना धुआं जाता था, कुछ आंखों में जाता था, फेफड़ों में जाता था, कितनी परेशान रहती थी। माननीय देश के सोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के सोचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय जी ठीक कह रहे थे, आने वाला समय आपका है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े अंतराल के साथ आपके बीच में चलने वाले हैं, बनने वाले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अबकी बार जो झारखंड के अंदर सरकार होगी वो ऐसे नहीं होगी कि अबकी बार भाजपा और अबकी बार दूसरी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजना है, हमारा काम है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस विचार को लेकर के चलता है, जिस संस्कार को लेकर के चलता है, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस देश के अंदर वही देश का हमारा विचार है, वही हमारे देश की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की संस्कृति और देश के विचार को लेकर के चलती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा पूर्वक निभाने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। मैं आप लोग को यह आश्वस्त कर रहा हूँ, रात दिन 24 घंटा जिस प्रकार से बाघमारा के विधायक होने के बाद भी पूरे जिले में सेवा के समर्पित भाव से काम किया हो, उसी तरह मैं आप लोगों का आशीर्वाद से इस क्षेत्र में मुझे सांसद के रूप में आप लोग चुने तो मैं निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक आप लोगों का सेवा करने का काम करूंगा। मेरे कार्यशैली के बारे में आप लोग जरूर थोड़े बहुत बगल विधायक होने के नाते जानते होंगे। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि मोदी जी की एक एक काम को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और राज्य के जन जन के नेता बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे झारखंड में एक आशा का किरण लोगों में हर समाज हर तबके हर क्षेत्र के लोगों को जगा है, उस विश्वास को और मजबूत करने का काम हम जरूर करेंगे। उपस्थित भाई और बहनों, मैं इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करते हुए लोगों से आग्रह निवेदन पूर्वक करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। और निश्चित तौर पर ये पूरे 14 के 14 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झोले में डालने का प्रयास सभी। खबरों की नई पहचान।